बिहार में एमएलसी चुनाव में राजद और कांग्रेस के अलग अलग खेमों में बंटने के बाद दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सुनील यादव को कटिहार से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनील यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने राजद के आधार वोट बैंक में ही सेंधमारी करने की कोशिश कर दी है। सुनील यादव के कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद माना जा रहा है कि वो जीते या ना जीते, लेकिन वो राजद का खेल जरूर बिगाड़ देंगे। वही पार्टी के इस फैसले से जिले के कार्यकर्ता भी काफी खुश दिख रहे हैं। प्रत्याशी मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर फिलहाल सीधे राजद आ गया है। हालांकि इस विषय पर जब सुनील यादव से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो वो काफी संतुलित दिखे और कहा कि उन्हें सभी बिरादरी का वोट मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछले कई महीना पहले ही हमें यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव सहतारी कन्वर साहब के द्वारा अघोषित उम्मीदवार के रूप में हम सभी पंचायत कटिहार जिले के हमने दौरा किया और हमारी बात प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से, अजीत शर्मा जी से, तमाम वरिष्ठ जो लीडर हैं, चाहे शकील साहब से हो, मनोहर बाबू हो, तमाम लोगों के साथ हम कंसल्ट में थे। आला कमान का यही कहना था कि आप अपनी हर पंचायत में एक पहुंच बनाइए, तैयारी कीजिए और आपको चुनाव लड़ना है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि कटिहार जिला एक नंबर सूची में, लिस्ट में नाम है। हम सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का, हम अपने नेता राहुल जी का, प्रियंका जी का, राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर साहब का, हमारे विधायक शकील साहब का, मनोहर बाबू हमारे मनिहारी के विधायक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हमारे अजीत शर्मा जी, तमाम लीडर को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप लोग के द्वारा के माध्यम से मैं अपने लीडर को ये विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से लोगों ने एक मन मिजाज बनाया है कि बदलाव होना है और हमारी बातों पर, जो हमने भत्ता बढ़ाने की बात लोगों के बीच त्रिस्तरीय पंचायत के जीते हुए तमाम प्रतिनिधि के बीच जो कहा, जो मान सम्मान की बात हमने कहा, उन लोगों को अच्छा लगा। और जो आज तक हमने पूरे जिला में जो भी हम लोगों के सेवा के लिए, चाहे बाढ़ हो, सुखार हो, आग लगी हो या किसी भी विपदा में जो हम काम करने का काम पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, आज उसका सही ऐसा लग रहा है कि आज त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों को ये विश्वास जगा है, यही हमारी आवाज़ बनेंगे, यही हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, यही हमारे हक हकूक के लिए कुछ आवाज़ बन सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कटिहार जिला जो है, कांग्रेस जो है, अभी भी एक नंबर में है, आने वाला रिजल्ट तक जो है क्लीन स्वीप होगा, यही हमें विश्वास है।